ओके, सो सी ओवर हियर, सो फॉर 10 वी आर कंसीडरिंग हियर ऑलस्टीसी रूल। अब समझना, यहाँ पे सेम वैल्यू हम फाइंड करने की कोशिश करेंगे। सपोज आई एम टेकिंग वन एग्जांपल ओवर हियर, लेट अस अज्यूम दैट आई एम कंसीडरिंग 10 पाई बाय 4 इक्वल टू 1। घूमना शुरू कर रहे हैं, सो फर्स्ट एट पाई बाय 4, राइट, यहाँ पे अगर मेरा एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है एट पाई बाय 4 एंगल, so here my 10 pi by 4 is 1, isn't it? In the same way, give me one second. Okay. Now see over here, this is 10 pi by 4 is equal to 1. अब हमें देखना है कि और कौन कौन से एंगल पे हमें 10 की वैल्यू 1 मिलेगी. Okay. So let us start traveling in this unit circle once again. Okay. So अगर आप 0 से शुरू कर रहे हो, so the very first angle value where you got 10's value 1 is pi by 4. Okay. Chalo, in second quadrant, tell me, kya second quadrant mein koi angle pe aapko value wapis 1 mil sakti hai? Second quadrant mein 10 kya hoga aapka? Positive or negative? Please give me some response. Negative, right? So second mein to nahi milegi. In the same way, fourth quadrant mein milegi? Nahi, kyunki wahan pe bhi negative hoga. So first mein milegi ya third mein milegi? चलो, अगर थर्ड में मैं ऐसे एक राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा हूँ, सपोज दिस इज माय राइट एंगल ट्राइंगल, तो डेफिनेटली यहाँ पे भी पाई बाय 4 एंगल पे मुझे 10 की वैल्यू 1 मिलेगी. ओके, सो यहाँ पे भी 10 की वैल्यू 1 मिलेगी, यहाँ पे भी 10 की वैल्यू 1 मिलेगी. तो इफ आई एम ट्रैवलिंग इन दिस सेंस, सो सबसे पहले कोई एंगल है जहाँ पे वो मुझे वैल्यू मिल रही है 1, दैट इज पाई बाय 4. नेक्स्ट एंगल जो मुझे मिल रहा है दैट इज पाई प्लस पाई बाय 4, इजंट इट? ये पूरा एंगल जो मैं ट्रैवल कर रहा हूँ वो क्या होगा, द होल एंगल इज दिस इज पाई प्लस पाई बाय 4. इनिशियली आपको मिला 0 प्लस पाई बाय 4, अगर आपको इसको लिखना हो तो 0 से आपने शुरू किया, सो फर्स्ट यू गॉट दिस वैल्यू एट 0 प्लस पाई बाय 4 देन पाई प्लस पाई बाय 4. ओके, चलो वापस शुरू करते हैं. सो वापस घूम के आओगे तो यहाँ पे आप पहुंच जाओगे 2 पाई पे. सो नाउ यू विल गेट दिस वैल्यू एट 2 पाई प्लस पाई बाय 4 एंड 2 पाई के बाद यहाँ पे आप आ जाओगे 3 पाई पे. सो दिस विल बी 3 पाई प्लस पाई बाय 4. एक तो 2 पाई प्लस पाई बाय 4 पे मिलेगा, दूसरा 3 पाई प्लस पाई बाय 4 पे मिलेगा. इज इट क्लियर? 0 प्लस पाई बाय 4, पाई प्लस पाई बाय 4, 2 पाई प्लस पाई बाय 4, 3 पाई प्लस पाई बाय 4. ओके, सो 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, उसके बाद वापस मैं कहां पे आ जाऊंगा? 4 पाई. सो डेफिनेटली दिस इज 4 पाई प्लस पाई बाय 4, आफ्टर दैट इट इज 5 पाई प्लस पाई बाय 4. तो यहाँ पे आप देख सकते हो इवन ऑड से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आइदर इट इज 0, आइदर इट इज ऑड 1 पाई, आइदर इट इज 2 पाई, आइदर इट इज 3 पाई, आइदर इट इज 4 पाई, आइदर इट इज 5 पाई, सब में एक ही चीज ऐड हो रही है, प्लस पाई बाय 4, 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 राइट? और इन सबको अगर आप जनरलाइज करें 0, 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, तो ये आपका हो जाएगा एन पाई, इजंट इट? जिसमें आपके इवन और ऑड सारे वैल्यूज कवर हो जाएंगे. इज इट क्लियर? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. ओके, सो अगर यहाँ से अगर मुझे थीटा की जनरल वैल्यू लिखनी हो तो थीटा आपका क्या हो जाएगा, एन पाई प्लस पाई बाय 4, इजंट इट? थीटा विल बी इक्वल टू एन पाई प्लस पाई बाय 4. ओके, सो क्या ये साइन कॉस और टेन वाला भी आपको क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. ओके, साइन कॉस टेन, क्या ये चीज आपको क्लियर हो गई? ओके, अब अच्छे से क्लियर हो गया? एनी डाउट्स? तो ये क्यों एन पाई प्लस पाई बाई 4 लेते हैं और यहाँ पे आपका अब वही सेम चीज अब यहाँ पे जनरलाइज करनी है. ये आपको पाई बाय 4 के लिए क्लियर हुआ, अब वही सेम चीज हम ओपन इंटरवल माइनस पाई से पाई के लिए जनरलाइज कर रहे हैं. तो जनरलाइज के लिए हम एक लाइन ले लेंगे. ओके, सो सपोज ये एक मैं लाइन ले रहा हूँ जो पाई बाय 4 पे मुझे 1 मिल रहा है पहले, और उसके बाद कहाँ कहाँ पे 1 मिल रहा है वो सारी चीजें मुझे देखनी है. ओके, सो सी दिस एंड ट्राई टू ऑब्जर्व दिस. सो यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करें तो सबसे पहले द वेरी फर्स्ट एट पाई बाय 4 आपको मिलेगा 1, फिर वही 1 आपको यहाँ पे मिल सकता है, दैट इज पाई प्लस पाई बाय 4, फिर 2 पाई प्लस पाई बाय 4,
फिर यहाँ पे माइनस पाई प्लस पाई बाई फोर, माइनस टू पाई प्लस पाई बाई फोर. सो एवरीवेयर अगर आपका अल्फा बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू है ओपन इंटरवल, तो वही सेम चीज आपको रिपीट होंगी थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फा पे. राइट, अगर मैं इसको जनरलाइज कर दूं तो ये हो जाएगा आपका थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फा. इज इट क्लियर नाउ? ओके, शैल वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चंस? ओके, नो प्रॉब्लम चुलिका. आप एक काम कर सकते हैं कि अभी क्लास के बाद तुरंत ये टेन वाला पार्ट देख लेना, ठीक है, और कोई भी डाउट हो तो मुझे नेक्स्ट सेशन में पूछ लेना. इज इट क्लियर? चलो, तो ये हो गया हमारा साइन कॉस टेन. चलो इसके बाद हम शुरू करते हैं. ओके, आपके क्वेश्चंस. सो इन क्लास एक्सरसाइज 2, 3, 5, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10. ओके, सो लेट अस स्टार्ट इन क्लास एक्सरसाइज नाउ. क्वेश्चन नंबर टू, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस. ओके, क्वेश्चन नंबर टू में जनरल सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं. उसका पहला क्वेश्चन, कॉस 2x इज इक्वल टू माइनस हाफ. अगर कॉस 2x आपका माइनस हाफ है तो इसके लिए आप क्या क्या बोल सकते हो, बोलो. इफ हियर कॉस 2x इज माइनस हाफ, चलो पहले ये cos 2x को सिर्फ आप x समझो, राइट, समझो कि यहाँ पे सिर्फ cos x होता तो आप क्या लिखते. इफ cos x इज इक्वल टू माइनस हाफ होता तो आप क्या बोलते. टू एक्स इक्वल टू माइनस 60. ऐसे तो मीत 1 बजे तक क्लास है, क्यों क्या हुआ ना. हाँ एग्री, बट मुझे अगर जनरल फॉर्म में लिखना हो, सी समझो यहाँ पे जनरल फॉर्म मेरे पास क्या है, पहले फॉर्मूला क्या है उसको रिवाइज करते हैं. सो वी नो दैट इफ कॉस एक्स इज इक्वल टू कॉस अल्फा, देन आई कैन राइट एक्स इज इक्वल टू 2nπ प्लस और माइनस अल्फा, जहां पे आपका अल्फा 0 to π का कोई भी बीच का एंगल है. तो पहले आप मुझे ये बताओ 0 to π में ऐसा कौन सा एंगल है जिसके लिए आपको माइनस हाफ वैल्यू मिलेगी. राइट, याद करो आपका यूनिट सर्कल, ये पाई बाई थ्री पे आपको हाफ मिलता है, फिर इधर कहाँ पे माइनस हाफ मिलेगा, पाई माइनस पाई बाई थ्री. राइट, हाँ राइट, फाइनल आंसर बाद में, पहले मैं जस्ट ये अल्फा पूछ रहा हूँ. अगर मुझे अल्फा डिटरमाइन करना है 0 से π के बीच का, तो वो कौन सा होगा, क्या वो पाई माइनस पाई बाई थ्री होगा. ओके, यस, 120 डिग्री, दैट इज पाई माइनस पाई बाई थ्री ना. राइट, हमें रेडियन में लिखना है. राइट, 120 डिग्री मीन्स वो 2π/3 आप लिख सकते हैं, पर यही आदत डालो. सो हियर सबसे पहले हम क्या करेंगे समझना है यहाँ पे. ओके, हियर कॉस 2x कैन बी रिटन एज कॉस पाई माइनस पाई बाई थ्री. पहले ये आपको क्लियर हुआ, ये पाई माइनस पाई बाई थ्री कैसे लिया मैंने, क्योंकि पाई बाई थ्री पे वो आपका हाफ होता है. ठीक है, ये आपका यूनिट सर्कल है, कॉस के लिए आपको 0 से π की वैल्यू देखनी है, ये यहाँ पे आपका पाई बाई थ्री पे हाफ होता है. तो यहाँ पे एक ऐसा सिमिलर राइट एंगल ट्राइंगल करोगे तो ये पाई बाई थ्री पे आपका माइनस हाफ होगा, तो पाई माइनस पाई बाई थ्री, तो ये एंगल आपका हो जाएगा 2π/3. सो देयरफॉर कॉस 2x इज इक्वल टू कॉस 2π/3. Is it clear now? Okay. अब आपको पता है कि cos x, पहले ये 2π/3 तक क्लियर हुआ, पहले ये क्लियर है फिर हम आगे जा सकते हैं. Please give me some response. If cos 2x equal to cos 2π/3, इतना क्लियर हुआ. चलो अब रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, so I'm assuming that इस चीज आपको क्लियर है. अब अभी हमने देखा कि अगर cos x equal to cos alpha है, where your alpha belongs to 0 to pi, तो x को हम लिख सकते हैं 2nπ plus or minus alpha. तो यहाँ पे x की जगह पे है हमारे पास 2x, और अल्फा की जगह पे है हमारे पास 2π/3. ओके,
So therefore, it can be written as 2x, okay, which is equal to 2n pi plus or minus alpha. Alpha kya hai? 2 pi by 3. Is it clear? X ki jagah pe hai 2x aur alpha ki jagah pe hai 2 pi by 3. This is your general solution. Please give me some response. Kya ye cheez clear hui? Ye clear hoga to fir iske baad clear hoga. Ab hume sirf x find karna hai. To x find karna hai to 2x se x find karna hai to 2 se divide kar denge. To x will be equal to n pi plus or minus pi by 3. X will be equal to n pi plus or minus pi by 3. Is it clear now? Hey, Asan. Isn't it? Shall we see next question now? That is 10 3x equal to minus 1. कोई doubt है तो बोलो. अगर ये clear है तो फिर बाकी के आराम से clear हो जाएंगे, right? ये clear नहीं है तो बाकी के क्वेश्चंस में भी प्रॉब्लम होगी. इज इट क्लियर? सो नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेन थ्री एक्स इक्वल टू माइनस वन. चलो इफ टेन थ्री एक्स इज इक्वल टू माइनस वन हाँ करिश्मा क्या माइनस हाफ इक्वल टू पाई माइनस पाई बाय थ्री में आपको कुछ डाउट है? ये पाई माइनस पाई बाय थ्री पहले क्लियर हुआ? कैसे लिया पाई माइनस पाई बाय थ्री? पूरा सेंटेंस लिखो या अनम्यूट करके बोलो. हाँ सो सबसे पहले जब भी आपको वैल्यू दी गई हो तो वैल्यू देके हम क्या करेंगे? वैल्यू आपको ये देखनी है कि वो उसके जो वन वन वाला डोमेन है, मतलब कॉस के लिए वो कौन सा है जीरो से पाई, साइन के लिए कौन सा है माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू, टेन के लिए भी माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू, बट टेन के लिए ओपन है साइन के लिए क्लोज है. तो वो वाले इंटरवल में ऐसा कौन सा एंगल है जिसके लिए आपको जो वैल्यू दी गई वो आ रही है? जो वैल्यू दी गई वो आ रही है मतलब वो हाफ है, वन है, माइनस हाफ है, वो हमें पहले फाइंड करना है. सो यहाँ पे आपको दिया गया इट इज माइनस हाफ. तो कॉस माइनस हाफ कहाँ पे होता है? तो उसके लिए हम यूनिट सर्कल को याद कर लेते हैं. वी ऑल नो दैट दिस इज अवर यूनिट सर्कल. ओके अब हमारे पास कॉस के लिए इंटरवल है जीरो से पाई. तो पहले क्वाड्रेंट में तो ऑल पॉजिटिव, दूसरे क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, कॉस नेगेटिव होता है, नेगेटिव एक्स एक्सिस. तो यहाँ पे अगर आपका कॉस पाई बाई थ्री हो तो ये आपका हाफ होता है. ओके इन द सेम वे यहाँ पे अगर आपका ये राइट एंगल ट्राइंगल पाई बाई थ्री होगा तो आपका जो बेस है उसकी लेंथ हाफ होगी. बेस की लेंथ हाफ है तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स माइनस हाफ होंगे क्योंकि वो नेगेटिव एक्स एक्सिस पे है. तो अब ये एंगल हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? ये एंगल फाइंड करने के लिए आप यहाँ से ये पूरा ऐड करके फाइंड कर सकते हो. आइदर दूसरा तरीका क्या है ये पूरा एंगल फाइंड करने के लिए, यहाँ से अगर आप पूरा ट्रैवल करो तो वो जीरो से पाई ट्रैवल होता है, उसमें से पाई बाय थ्री जितना ट्रैवलिंग माइनस कर दो तो आपको ये एंगल मिल जाएगा. So, ये एंगल होगा पाई माइनस पाई बाई थ्री. इज इट क्लियर नाउ? चलो टेन थ्री एक्स इज इक्वल टू माइनस वन. तो पहले कोई मुझे बताएगा टेन थ्री एक्स माइनस वन है तो उसके लिए हमें पहले टेन का एंगल कौन सा ले सकते हैं? इफ टेन थ्री एक्स इक्वल टू माइनस वन सो वी ऑल नो दैट टेन के लिए आपका इंटरवल क्या होगा? अगर टेन एक्स इक्वल टू टेन अल्फा है तो योर अल्फा शुड बी बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू ओपन इंटरवल. चलो इसमें अल्फा ऐसा कौन सा होगा जिसके लिए टेन एक्स आपका माइनस वन हो? बोलो अल्फा कौन सा होगा जिसके लिए टेन एक्स आपका माइनस वन हो? तो डेफिनेटली पहले आपको प्लस वन के लिए ढूंढना है. यस राइट ये आपका माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू वाला पोर्शन हो जाएगा. सिर्फ इतना ही प्लॉट कर रहा हूँ. तो प्लस वन के लिए हमें पता है प्लस वन के लिए वो क्या होगा पाई बाई फोर. ओके तो माइनस वन के लिए क्या होगा? ये नेगेटिव साइड में आपको जाना है पाई बाई फोर तो इट विल बी माइनस पाई बाई फोर. नहीं थ्री पाई बाई फोर नहीं होगा. थ्री पाई बाई फोर क्या होगा समझना? थ्री पाई बाई फोर यहाँ पे होगा आपका ये क्वाड्रेंट में पाई माइनस पाई बाई फोर, वहां पे भी माइनस वन होगा. बट टेन के लिए हमने इंटरवल क्या यूनिवर्सल इंटरवल क्या डिफाइन किया गया है? यूनिवर्सल इंटरवल माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू है ना. तो माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू वाला अल्फा आपको लेना है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आई एग्री.
कि अल्फा 3π/4 होगा तो tan 3π/4 आपका -1 होगा, आई एग्री राइट, आई एम नॉट डिनाइंग इट, बट मुझे ये इंटरवल में चाहिए, अल्फा आपका -π/2 से π/2 में होना चाहिए, ये आपका 3π/4 यहाँ पे आ जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट, मुझे चाहिए इट इज फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट, इज इट क्लियर, प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। तो आंसर क्या आएगा बोलो, अल्फा क्या आएगा, ऐसे क्वेश्चन में पहले आपको यही अल्फा फाइंड करना है, तो अल्फा फाइंड करना पहले आ गया, अगर अल्फा फाइंड करना आ गया फिर नेक्स्ट है, फिर फॉर्मूला रखनी है। सो ये आपको क्लियर हुआ -π/4, एनीवन, किसी को -π/4 में डाउट है यहाँ पे, प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, अगर -π/4 आपको क्लियर है सो चलो आगे देखते हैं। चलो क्या डाउट है बोलो -π/4 में, किस किस को डाउट है -π/4 में, प्लीज रेज योर हैंड, बाकी सबको क्लियर हो गया ना। ओके नाउ सी ओवर हियर, जब भी आपको जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना और ऐसे आपको न्यूमेरिकल वैल्यूज दी गई हो, तो फ्रॉम दिस न्यूमेरिकल वैल्यूज वी विल ट्राई टू फाइंड आउट फर्स्ट अल्फा, हमें सबसे पहले वो न्यूमेरिकल वैल्यूज से अल्फा फाइंड करने होंगे, ठीक है, कि हम वो अल्फा कैसे फाइंड कर सकते हैं उस पर हमें फोकस करना है। अब हम अल्फा कैसे फाइंड करेंगे उसके लिए मैं आपको एक स्टेप्स पहले लिखा रहा हूँ, ताकि आप वो स्टेप्स फॉलो करें तो आसान रहेगा। सो लेट मी गिव यू दिस नोट्स फर्स्ट, तो सबसे पहले आपको इंटरवल आइडेंटिफाई करना है, जिस तरीके से आपको क्वेश्चन दिया गया उसमें अगर साइन है, कॉस है, टेन है, साइन के लिए आपका इंटरवल आएगा -π/2 π/2, कॉस के लिए 0 से π और टेन के लिए ओपन इंटरवल -π/2 π/2। अब हर एक इंटरवल में आपके पास 2 क्वाड्रेंट है, आपको पहले क्वाड्रेंट आइडेंटिफाई करना है कि वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उसके लिए क्वाड्रेंट कौन सा होगा, राइट। नाउ यू हैव टू चेक योर वैल्यू, आइदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, ओके। सो अल्टीमेटली हर बार आपके पास ये 3 क्वाड्रेंट ही पॉसिबल होंगे, तो ये तीनों क्वाड्रेंट में यहाँ पे भी लिख रहा हूँ, ओके। सो आइदर, और वहाँ पे आपको राइट एंगल ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर देना है पहले, ओके। सो ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल होगा, ओके। सो आइदर आपको -π/2 से π/2 मिलेगा या 0 से π मिलेगा, सो इट इज योर 0, दिस इज योर π/2, दिस इज योर π, दिस इज योर -π/2। तो पहले तो आपको ये 3 प्लेस आइडेंटिफाई करना है, आइदर इट इज फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस और थर्ड प्लेस, ओके। और यहाँ पे मैं आपको एक जनरल चीज बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो एंगल होगा राइट, वही सेम एंगल यहाँ पे होगा, वही सेम एंगल यहाँ पे होगा। अब अगर आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो आपका जो एंगल होगा वही आंसर आएगा, सपोज ये एंगल आपका एक्स है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो आपका आंसर आएगा एक्स, अगर सेकंड फोर्थ क्वाड्रेंट में तो आंसर आएगा 0 - x,
दैट इज माइनस एक्स ओनली. और अगर वो आपका सेकंड क्वाड्रेंट में है तो सेकंड क्वाड्रेंट में हम क्या करेंगे, पाई माइनस एक्स, होल एंगल इज पाई राइट एंड दिस एंगल इज एक्स, सो दिस एंगल विल बी योर पाई माइनस एक्स. सो जब भी आपका सेकंड क्वाड्रेंट होगा हम लिखेंगे योर एंगल पाई माइनस एक्स, दिस ऑल आर योर वैल्यू ऑफ एंगल अल्फा. पहले क्वाड्रेंट में अल्फा एक्स होगा, इन फोर्थ क्वाड्रेंट अल्फा विल बी माइनस एक्स, इन सेकंड क्वाड्रेंट अल्फा विल बी पाई माइनस एक्स. क्या पहले इतना क्लियर हो गया, ये स्टेप्स क्लियर हो गए? अगर ये स्टेप्स क्लियर है तो इन स्टेप्स की मदद से अब आप कोई भी क्वेश्चन में पहले अल्फा फाइंड कर सकते हैं, और अगर आपको अल्फा मिल जाए तो फिर अल्फा से आप थीटा जनरल सॉल्यूशन को डिफाइन कर सकते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे आप समझने की कोशिश करो, आपको दिया गया है माइनस वन, तो पहला स्टेप हमारा क्या है कि टेन के लिए इंटरवल आप फाइंड करो. टेन का इंटरवल कौन सा है, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, तो टेन के लिए आपका इंटरवल बस इतना होगा, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू. अब इसमें हमें चेक करना है कि वो वन कहाँ होगा, डेफिनेटली वन है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, माइनस वन है तो यहाँ पे वो माइनस वन होगा. वन कौन से एंगल पे होता है, पाई बाई फोर, तो ये एंगल आपका पाई बाई फोर होगा. एंड सिंस इट इज योर फोर्थ क्वाड्रेंट, ये आपका होगा जीरो माइनस पाई बाई फोर, सो योर अल्फा विल बी जीरो माइनस पाई बाई फोर, दैट इज माइनस पाई बाई फोर. इज इट क्लियर नाउ एवरीवन? राइट, सो हियर आवर अल्फा इज टेन माइनस पाई बाई फोर, सो लेट अस रिज्यूम आवर क्वेश्चन. टेन थ्री एक्स is equal to 10 minus pi by 4. 10 के लिए हमें पता है कि 3x is equal to n pi plus alpha. What is our alpha? Minus pi by 4. And this is our value of 3x. That is 3x is equal to n pi minus pi by 4. What will be our value of x divide by 3? So it is n pi by 3 minus pi by 12. So x is equal to n pi by 3 minus pi by 12. Is it clear? Shall we move to third question as well? Sine 4x. So sine 4x is equal to root 3 by 2. Sine 4x aapka root 3 by 2 hai. Okay. तो सबसे पहले हमें अल्फा डिटरमाइन करना है. अल्फा डिटरमाइन करने के लिए क्वाड्रेंट डिटरमाइन करो. साइन का क्या होगा, यही होगा माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू. एंड पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा. फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं. सो अल्फा यहाँ पे क्या होगा, साइन पाई बाई थ्री, इजंट इट? सो हियर साइन फोर एक्स इज इक्वल टू साइन पाई बाई थ्री. इज इट क्लियर? ये पहले अल्फा क्लियर हुआ. स्टूडेंट्स प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. तो इसका यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन क्या मिलेगा, so 4x will be equal to what is general solution of sine n pi plus minus 1 to the power n pi by 3. और जब आप 4 से divide कर दोगे, तो x will be equal to n pi by 4 plus minus 1 to the power n pi by 12. So this will be our final answer. है आसान? सारी चीजें clear हो रही हैं? Shall we move to next question? Okay. Okay, I think I was disconnected. Is it clear now, students? I was asking this. Okay, last clear ho gaya? Sin 4x equal to root 3 by 2. हाँ, why not? So this is our cos 2x. It cos 2x में minus half दिया गया था, इसलिए वो हमने लिया pi minus pi by 3. So this is our screen of cos 2x. किसी का audio on था. So is it clear now? Okay. Anyone is having any doubt, please ask me. Okay. तो अभी के ये सेशन में इतना रखते हैं. राइट, नेक्स्ट सेशन हमारा 2 बजे है, तो जल्दी स्टार्ट कर देंगे. राइट, ये 7 मिनट जल्दी खत्म कर रहा हूँ, तो वो 7 मिनट जल्दी स्टार्ट कर दूंगा.
It is 12:53. Okay. So I will start the session at 1:53 instead of 2. Is it clear? तो थोड़ा रेस्ट ले लो, जिसको जितना रिवीजन करना है उतना रिवीजन कर लो, राइट? मतलब ये सारे कंसेप्ट का लास्ट का वीडियो जो मैंने आपको बोला देखने के लिए. ओके, इफ यू आर हैविंग एनी डाउट्स यू कैन आस्क. सो हाँ, यस, थैंक यू आर्यन, मैं भूल गया था बस. ओके, सो आई एम टेकिंग योर अटेंडेंस स्टूडेंट्स, वेट. थैंक यू सो मच आर्यन. तो ये अटेंडेंस और गूगल क्लासरूम वाला पहले खत्म करते हैं. तो उसमें 12:55 हो जाएगा. सो अकॉर्डिंगली जब 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 क्लास खत्म होगा अकॉर्डिंगली मैं शुरू करूंगा. सो आई एम टेकिंग योर अटेंडेंस नाउ.